तो गाइस टुकू अपनी नानी के घर जा रहा है मामा के साथ में। कल नानी के घर टुकू भिंड जा रहा है मामा के साथ अपने, है ना टुकू? इधर देखो बेबी, कल नानी के घर जा रहे हो मामा के साथ में, तो रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो बेटा, जल्दी बोलो, देखो ना मम्मा की तरफ। डुगू पिज्जा खा रहा है और फिर भी रो रहा है डुगू, क्या बात क्या हो गई बताओ? याद आएगी मेरी, तो क्यों चाह रहे हो? याद आएगी तो डुगू बोल रहा है कि मम्मी जब मैं कल जाऊंगा ना तो मुझे एक थप्पड़ मार देना। थप्पड़ क्यों मारना है भाई? तो भिंड तुम जब जाओगे नानी के घर तो मैं तुम्हें किस्सी लेके भेजूंगी ना, तुम्हारी किस्सी लूंगी खूब सारी। थप्पड़ क्यों? थप्पड़ मारना क्यों? मैं तो नहीं मारूंगी भाई। भाई अपने बेटे को कौन थप्पड़ मारता है, मैं तो बिल्कुल नहीं मारूंगी। मारती हो आप तो मार देना, कौन तो मारे? वो तो मैं गुस्से में कर देती हूँ कभी कभार पिटाई। प्यार से कोई मारता है क्या अपने बच्चों को? भी और डांट मना भी। नहीं मैं तो नहीं डांटूंगी, मैं मारूंगी भी नहीं और डांटूंगी भी नहीं। मारना भी पड़ेगा डांटना भी पड़ेगा। क्या हो क्या गया मुझे ये पूरी बात तो बताओ। बच्चे ना नानी के घर जाते हैं ना खुश होते हैं, बहुत हैप्पी हैप्पी होते हैं, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? अरे मैं दिन जाऊंगा तो दाते को कौन थप्पड़ कौन मारेगा, नहलाएगा कौन, टॉवल कौन देगा, पहनाएगा कौन, मालिश कौन करेगा? मालिश कौन करेगा? देखो दुग्गू को कपड़े नानी पहनाएगी, नानी अन्नू करवाएगी, नानी मालिश करवाएगी और डांट भी नानी कर देगी। नानी से डांट सुन लेना। नानी थप्पड़ तो नहीं ना मारेगी? नहीं मारेगी, मैं बोल दूंगी फोन करके दुग्गू को, एक थप्पड़ लगा देना मेरी तरफ से। ठीक है ठीक है, तो कल पक्का जा रहे हो ना नानी के पास है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि डुगू खुश हो रहा है या रो रहा है नानी के घर जाने के लिए। दोनों है, डुगू को खुशी भी हो रही है और डुगू को रोना भी आ रहा है। डुगू खुद कंफ्यूज है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, है ना डुगू? मुझे वीडियो की नहीं पड़ी है, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे, मैं जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं दिखाऊंगी डुगू ऐसे ऐसे करता था। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि डुगू को जाना चाहिए अपने नानी के घर की नहीं जाना चाहिए। डुगू बताओ, डुगू जाएगा मम्मी के बिना, रह लेगा नहीं रह पाएगा? वीडियो भी पड़ी है, तुम कर क्या रहे हो ये तो बताओ। अच्छा सामान पैक कर दूं मामा के साथ बैग में? ये क्या पहन लिया डुगू ने? मामा के जूते पहन लिए? इतने बड़े जूते नहीं आएंगे, ये मामा को ही आएंगे, तुम्हें नहीं आएंगे। डुगू कौन सा बैग में लगाऊं कपड़े? तो मम्मी के बिना तो नहीं रह सकता, पर कोशिश करूंगा। अब ये भी मम्मी के बिना रहे। क्या है? कहाँ रहोगे तुम? तो गाइस डुगू ये बताने की कोशिश कर रहा है, डुगू पहली बार मेरे बिना नानी के घर जा रहा है तो ये बोल रहा है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कैसे मम्मी के बिना रहूंगा नानी के पास। और ये अपने मामा के साथ जाएगा। कितने दिन के लिए जा रहे हो डुगू? 3 डेज के लिए। तो ये बैग क्यों रखा अभी से? इसमें कपड़े रखने हैं? डुगू ने मामा का बैग ले लिया है, कह रहा है इसी में मेरे कपड़े लगा दो। मजाक में लिया मम्मी, सच्ची में लगा दो। सच्ची में लगा दो? मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ भाई? क्यों जा क्यों रहे हो नानी के घर? क्योंकि मैं अपनी मौसी है, मेरी एक आंटा होती है, मम्मी की बहन है, उनकी बेटी है, वो 6 महीने की है, उनको मैं खिलानी जा रही हूँ। अच्छा नानी से बात हुई थी? हाँ, भाई तो वीडियो कॉल पे थे दोनों के दोनों, नानी और मौसी। नानी ने क्या बोला?
मम्मी ने कहा आ जाओ, मैंने कहा ठीक है। तो तुम सच में मम्मी को छोड़ के जा रहे हो? ट्राई करते हो? मुझे तो बहुत याद आएगी। बीटू तुम्हें भी आएगी? तो फिर क्यों जा रहे हो? पापा को भी याद आएगी। वीडियो कॉल करूंगा मैं मेरी, तीन तीन बार करूंगा। पहले सुबह उठकर, दूसरा दोपहर में जब मौसी के घर जाऊंगा, और फिर रात में जब सो। फिर तुम्हें थप्पड़ कौन मारेगा? थप्पड़ आप मोबाइल से मार देना। मोबाइल पे मार दूं? अभी तो इतना इमोशनल हो रहे थे, वहाँ बैठ के रोना आ रहा था तुमको, और ये बोल रहे थे कि मम्मी मेरे को कौन मारेगा, कौन निलाएगा, कौन कपड़े चेंज करेगा। डुगू कितना पापा से लड़ रहा है, पापा भी डुगू को गुस्सा कर रहे हैं, और दोनों देखो रोने लगे। अभी नानी के घर कोई नहीं गया है और देखो दोनों रो रहे हैं। ये कैसा है डुगू, तुम नानी के घर जा रहे हो और रोते हुए जा रहे हो? अभी तक चले गए, रो क्यों रहे हो भैया? अच्छा बता ना, तुम ये रो क्यों रहे, ये बता दो। नानी के जाने की खुशी होनी चाहिए, नानी के घर जाने की। अरे रो क्यों रहे हो, नहीं आना, जाना नहीं है डुगू को। अच्छा डुगू को जाना नहीं है, डुगू का मन ये है कि तुम मम्मी पापा रोक लें और बोल दें मत जाओ। ऐसा है क्या डुगू? ठीक है, बड़े हो गए, रो क्यों रहे हो? नहीं जाना, नहीं जाना। देखो कितना प्यार हो रहा है। ये बोल रहा था डुगू के पहली बार नानी के घर जाएगा मम्मी पापा के बिना, पर मुझे पता है ये नहीं जा पाएगा, ये जाएगा ही नहीं, ये अभी कैंसिल कर देगा कि मैं नहीं जा रहा। डुगू तो मेरा मन नहीं है कि तुम मेरे साथ चलना नानी के घर, ठीक है, मम्मी पापा के साथ में। पहले रोना बंद करो, पहले रोने जाना है ना, बस रोने फिर क्यों हो रहे हो? चले आप दोनों थप्पड़ मारने बता देना। थप्पड़ मारने से क्या हो जाएगा? नहीं मम्मी थप्पड़ मारेगी आप मुझे। इसलिए बोल रहा डुकू इसलिए बोल रहा है ताकि हम लोग गुस्सा करें तो वो गुस्से में चला जाएगा, गुस्से में उसको याद नहीं आएगी, प्यार करेंगे तो याद आएगी। यार मैं तो प्यार करूंगा, मैं तो रहूंगी नहीं, मैं तो ऑफिस में रहूंगा। वो देखो मामा के सूज पहन रखे उसने कितने बड़े बड़े। डुगू ने डुगू ने तो अपनी आंखें लाल कर ली। डुगू खुद कंफ्यूज है, सोच रहा है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। नहीं बात है कुछ नहीं है ना, तुम्हारे इसमें थे हम जो हम लोग छोड़ के चले गए थे उनको, पता है? रो नहीं, चले जाना, रोते क्यों हो? अच्छा मत जाना, जाना है कि नहीं जाना ये बताओ तुम, जाना है तो फिर रोने के लिए खुशी होके जाओ, तो नहीं जाना तो मत जाओ, ठीक है? डिसाइड कर लो रात में खड़ी है, रो रो मत, ठीक है? डिसाइड कर लो तुम्हें जाना है या नहीं जाना, ठीक ठीक है। तो गाइस यहाँ मैं वीडियो एंड करती हूँ, अब कल पता चलेगा डुगू अपनी नानी के घर जाएगा या नहीं जाएगा, ये सस्पेंस है अभी। ओके डुगू बाय बाय कर दो। डुगू आज नहीं करेगा।